प्री में देखो, प्री का क्या होता है रिजल्ट, कैसे होता है प्री में? प्री में 100 क्वेश्चन आता है जीएस में, जीएसई में 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस में। अब 100 में से समझो इसको ऐसे, एक टॉपिक होगा कन्वेंशनल, परंपरागत टॉपिक कन्वेंशनल होगा, जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है। इससे सवाल कितने आते हैं तुम लोग बताओ? 70 सवाल यहां से आएगा, 70 क्वेश्चन यहां से आएगा। दूसरा होता है करंट, करंट से मान लो बहुत सवाल आएगा, 25-30, बहुत आएगा, 25-30 ऐसा सवाल आएगा। इस 30 के चक्कर में पूरा दुनिया बर्बाद है, पूरा यूट्यूब चल रहा है इस 30 के चक्कर में, पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल, पूरा मैगजीन, पूरा दुकान, पूरा कोचिंग सब चल रहा है इस पे। अरे इसके पीछे भटक के क्यों पागल हो रहे हो? कभी प्री होगा, कभी इसके पीछे भटकोगे तो कभी नहीं होगा। प्री करना है तो इसको करो ना, जो बदलता नहीं है। तुमको 85 सवाल ना करना है प्री क्वालिफाई करने के लिए, जो बदलता नहीं उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? 5 किताब पढ़ना है मात्र आपको, कभी नहीं बदलेगा ये। 5 अटेम्प्ट दो, आज से 10 साल के बाद भी तो वही रहेगा, हिस्ट्री वही रहेगा, ज्योग्राफी वही रहेगा, जनरल साइंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़े बदल जाएगा, तो जो नहीं बदलता उस पर तो मैं सीरियल बनाऊं। ये अगर कन्वेंशनल टॉपिक पे आपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है तो आपका प्री कौन रोक सकता है? तो और करंट के पीछे हम भागे जा रहे हैं, और लोग बेवकूफ पे बेवकूफ, बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं हम लोगों को। पूरा अखबार, पूरा मैगजीन, सब कुछ बस करंट करंट करंट, ये करंट वो करंट, ये करंट क्या खा करंट, रिजल्ट हो नहीं रहा है, करंट करंट पढ़ रहे हैं। सीधा बात है कि तैयारी आना चाहिए करने। हम लोग तो पहले कन्वेंशनल की तैयारी करो। कन्वेंशनल का मतलब हिस्ट्री का किताब, कन्वेंशनल का मतलब हुआ ज्योग्राफी की किताब। अब ये किताब तुम पढ़े पढ़े नहीं हो, तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाए होंगे, पॉलिटिक्स की किताब स्कूलों में पढ़े होंगे, इकोनॉमी स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, जनरल साइंस हो गया, कौन नहीं पढ़ा है? सब तो सब पढ़ के आए हो, नहीं तो मैट्रिक थोड़े किए होते। इसमें से कौन सा किताब नहीं पढ़े हो? सब तो पढ़े हुए आप लोग, इकोलॉजी इन्वायरमेंट सब पढ़ाई हुआ आप लोगों को, लेकिन आपने नहीं पढ़ा उस दिन, तो नहीं पढ़ा तो कैसे पास, कैसे फर्स्ट कर गए? अगर उस दिन यूपीएससी के लिए नहीं पढ़े थे, पास करने के लिए पढ़े थे, तो अब यूपीएससी के लिए कब पढ़ लो? एक बार क्या पढ़ना है इसको, 10 बार पढ़ो ना, कौन कहता है एक बार पढ़ो? एक बार में तो कुछ पता चलेगा आपको? एक बार में पढ़ने से कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। मैं सीधा जानता हूं कि हथौड़ा मारना है तो थोक बजा के मारो ना, एक बार हथौड़ा मारना सही जगह पर है, समझे ना? बहुत सारा कहानी मुझे नहीं आता है, मुझे इतना पता है कि हमको करना है आईएएस, हमने निर्णय लिया हुआ है। और एक हम बस कोचिंग में हमको 10 फैकल्टी इसलिए चाहिए कि हमारा पेपर चेकर सही रास्ते पे चल रहे कि नहीं चल रहे हैं वो रास्ता बताते जाए। पढ़ना तो हम ही को है, घुमा फिरा के पढ़ना आदमी तुम ही को है। जब हम ही को पढ़ना है तो पढ़ ही क्यों नहीं जाए? और किताब से बढ़िया बहुत कौन पढ़ा सकता है? किताब से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, खास करके एनसीईआरटी किताब है, इग्नू किताबें हैं। तो हमें किताब भी चुनने आना चाहिए, और किताब में क्या पढ़ना है हमें आना चाहिए, कैसे पढ़ने में आना चाहिए, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तय होगा? तो मैंने पहले ही बताया है ये तुम तय नहीं कर सकते हो, और मैं कहूंगा तो कैसे विश्वास करोगे तुम? तीसरा तरीका उसका ये होता है कि पिछला 5 साल का क्वेश्चन देखो, 5 साल के क्वेश्चन को अपने दिमाग में एकदम से 10 बार पढ़ करके याद कर लो, और एक बार में एक एग्जाम की तैयारी करो। यूपीएससी का मतलब यूपीएससी, बस यूपीएससी का मतलब सिर्फ यूपीएससी और कुछ नहीं। और अब लग जाओ तैयारी में, अब लग जाओ तैयारी में। यूपीएससी के 5 साल क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है, बनेंगे तो आईएएस, नहीं तो छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए, और इस नशा में कहते हैं इस तरह के नशा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जिद होना चाहिए खुद के साथ, हमको करना है तो आईएएस, नहीं तो हमें कुछ नहीं। और भी आईएएस में हमको टॉप 10 में आना है, ये इस तरह का प्लानिंग करो। हमें आईपीएस बनना है या हमें आईएएस बनना है, हम अपना रैंक तय कर लो, फिर देखो तैयारी के लगन आएगा। और अगर भूल जाते हो तो अपने अपने दीवार पे चिपका के रखो कि हमको आईएएस बनना है, एकदम से चिपका दो दीवार के गेट पे, सुबह जब सामने आईएएस बनना है, जिद है मेरा, ये लाइन लिख देना, जिद है मेरा, हमें बनना है, हमको 10वें रैंक चाहिए, चाहे हम 10 घंटा पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे, जैसे पढ़ना पड़े। मत घंटा से पढ़ाई नहीं होता है, अप्रोच से पढ़ाई होता है। मैं घंटा की बात नहीं करूं, मैं अप्रोच की बात करूं, हमें उस अप्रोच में उस काम को पूरा करना है। और घंटा अगर बच जाए तो हमको और थोड़ा सा अनुभव उसमें से ले लेना है। तो आपको इकोलॉजी की तैयारी तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? इन्वायरमेंट इकोलॉजी तैयार करने में एक बच्चा अगर 10 बार पढ़ जाता है तो हमें तो नहीं लगता कुछ समझ नहीं आएगा।
और किताब का पहला चैप्टर पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, तो मैंने कहा तो पहला पढ़कर रुक जाओ, किताब को पहला पेज उठाओ पहले सीधा सीधा, और पूरा किताब को पहले पढ़ जाओ एक बार तो पहले पढ़ो, ताकि आप लैंड जो मार्क है वो सेट कर पाओगे कि आपको यहां शुरू किया और यहां पे समाप्त किया है। तो पहले लैंडमार्क सेट करो, जब लैंडमार्क सेट ठीक है ना, पहले राउंड में सिर्फ हम क्या होते हैं, हम निरीक्षण करते हैं, पढ़ाई तो पहला राउंड में होता ही नहीं है, बहुत से बच्चों ने शायद किताब पढ़ा भी नहीं होगा पूरा का पूरा। तो पेज टू पेज पढ़ने का डालिए एक, और पहला बार का पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है, पहला बार तो बस किताब के पन्नों में ये देखते हो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और आपको पढ़ना है हर लाइन पढ़ना है, पहली बार हर डायग्राम पढ़ना है, हर बॉक्स को पढ़ना है, पूरे किताब को पेज बाय पेज पढ़ना है। दूसरा बार फिर उसी किताब को पढ़, थोड़ा पढ़ाई शुरू हुआ, अभी लैंडमार्क तय नहीं हो पाया है। तीसरा बार जब पढ़ जाओगे तब तो तुमको सही सही सेटिंग हो पाएगा कि चैप्टर के बाद उस चैप्टर है। चौथा बार पढ़ोगे तो उस चैप्टर के अंदर का सब हेडिंग याद आएगा। पांचवा बार पढ़ोगे तो उस चैप्टर के सब हेडिंग के अंदर का सब हेडिंग याद आएगा। छठा बार पढ़ोगे तो डायग्राम याद आएगा। सातवां बार पढ़ोगे तब यह रहेगा, अच्छा इस चैप्टर में इस लाइन पे ये लिखा हुआ है। दसवें बार जब पढ़ोगे तो तब परफेक्शन आएगा। एक बार में परफेक्शन तो आ ही नहीं सकता है। एक किताब को 10 बार पढ़िए, किताब एक बार तो चुनिए और 10 बार पढ़िए, और 10 बार से कम पढ़ते हो तो समझ लो तुम लायक नहीं आई इसको, समझ लेना बात, तुम तैयारी नहीं कर रहे, खुद के साथ धोखा कर रहे। 10 बार से कम में समझ में आने के चांसेस नहीं है, उसी 10 बार किसी को 10 बार में समझ में आता है, इसलिए हम कोचिंग करते हैं कि हमको एक बार में समझा देंगे टीचर, और उसके बाद भी बच्चों को समझ नहीं आता है, भूल जाते हैं, फिर भी रिविजन करना पड़ता है उस क्लास नोट्स को, तो कोचिंग उसी 10 बार को 5 बार बदल देता है और कुछ नहीं करता। कुछ मुझसे करोगे 10 बार करना पड़ेगा, उसी में करोगे तो 5 बार करना पड़ेगा। टीचर अच्छे मिलेंगे तब, अच्छे टीचर का मतलब वो जो टाइम को घटाए टाइम बढ़ाए नहीं, अच्छे टीचर का मतलब वो ये होता है जो सही क्रम में बातों को बताए ताकि हमारे दिमाग में सही तरीके सेट हो जाए, सिक्वेंस पता होना चाहिए, बेतरतीब नहीं। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री का, तो आपको करना क्या है, अगर आपने पढ़ा इकोलॉजी की किताब को भी 10 बार पढ़ोगे तो पहले बार में हो सकता है आपको 50 घंटा लगे पढ़ने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे बार में किताब पढ़ोगे 30 घंटा लगेगा, तीसरे बार में पढ़ोगे तो 20 घंटा लगेगा, चौथे बार में 10 घंटा लगेगा, पांचवें बार में पढ़ोगे तो ये तुमको 5 घंटा लगेगा, छठे बार में तुमको पेज खाली पलटते जाओगे, जब 10वें बार में आओगे ना खाली पेज पेज पलटते हुए तो आपको सब कुछ याद आकर चले जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या पढ़ाई तुम पढ़ा हुआ याद ही है, पेज पलटने का मतलब चीजें याद होते चले जाए। ये अप्रोच डेवलप करना है, अप्रोच ये डेवलप करना है, पढ़ने का मतलब हुआ किताब का मोटाई कम करना ना कि किताब का मोटाई बढ़ना। और मैं देखता हूं बच्चे क्या क्या होता है, 5 साल पहले भी एनसीईआरटी पढ़ रहा था, आज भी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, 5 साल के बाद भी एनसीईआरटी पढ़ते मिलेगा, ये थोड़े होता है पढ़ाई, एनसीईआरटी किताब आप पढ़ लिए तो पढ़ लिया हो गया, एनसीईआरटी अब आगे स्तरीय पे चलेंगे। एक राउंड आपको यहां पे करना क्या है, पहले इन 6 को अच्छा करना है प्री के लिए, और इन 6 को आपको याद रखना, किताब में ही मैं बता देता हूं ठीक है एक एक करके, और सब में समय कितना लगा वो भी मैं जोड़ दे रहा हूं। इन्वायरमेंट को तैयार करने में मैं खुद कह रहा हूं कि तुमको नए बच्चे हो तो तुमको हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए तैयार करने में कम से कम अच्छे तैयार करने में तुमको 100 घंटा लग जाए, 100 आवर लग जाएंगे तुमको तैयार करने, और इसमें ज्यादा चैप्टर इसमें मात्र 4 ही चैप्टर इन्वायरमेंट के लिए, कमाल की बात यह है, 4 से 5 चैप्टर तुमको नजर आएगा, 5 चैप्टर तुम 100 घंटा के टाइम बता रहा हूं मैं, यहां पे 100 घंटे लग जाएंगे। हिस्ट्री तैयार करोगे, हिस्ट्री तैयार करोगे तुमको हिस्ट्री तैयार करने में सही से तैयार करने में तुमको 250 घंटा लग जाएगा, ज्योग्राफी तैयार करने में भी तुमको कम से कम यहां पे सही से तैयार करोगे तुमको यहां भी तुमको लग जाएगा नए बच्चों के लिए 250 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पॉलिटी तुम कर चुके हो तो पॉलिटी अब तैयार करना नहीं है, पॉलिटी मेन के साथ हो जाता है। इकोनॉमी तैयार करने में तुमको यहां पे लग जाएगा टाइम एटलीस्ट, इकोनॉमी जो नए बच्चों के लिए यहां भी तुमको लग जाएगा 200 घंटा, और जनरल साइंस और साइंस को तैयार करने में तुमको यहां भी लग जाएगा नए बच्चों के लिए, मैं बता रहा हूं कम से कम तुमको 150 घंटा से 200 घंटा लग जाएगा। इस तैयारी में करना क्या है, मतलब कुल मिलाकर के मेरा अपना जो मानना है कि आपका प्री सबसे बड़ा बैरियर है, और मैं 250 घंटा कहा हूं तो 250 घंटा का मतलब हुआ उसको 10 बार पढ़ना, ये नहीं कि एक बार पढ़ना है 250 घंटे में, 250 घंटे का मतलब 10 बार पढ़ना है, याद करना आपका काम नहीं, याद करना ब्रेन का काम होता है,
आपको रास्ते पे जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है। जैसे मैंने कहा कि अगर तुम दिल्ली कभी नहीं आए हो, पहली बार दिल्ली आओगे, या तुम कहीं भी जीवन में पहली बार गए होगे किसी संबंधी के यहां भी, तो शायद आपको रास्ता भूल गया होगा। लेकिन आप, आपका जो घर है उसके बगल में किसका घर है वो आपको याद होगा, उस घर के बगल में कौन सा दुकान है वो आपको याद होगा, क्योंकि उस रास्ते में बार बार गया हो, कभी कोशिश नहीं क्यों याद करने का, तभी भी आपको याद है कि आपके घर के बगल में कौन चाचा है, कौन काका है, कौन दुकानदार है, कौन रोड है, किधर चौराहा है, सब याद है आपको, एक एक कोना याद है। क्यों याद है? आप अपने खेतों पे, जिस खेतों में बार बार गया होगा उस खेत का पूरा रास्ता याद है, लेकिन जिस खेत में कभी एक बार गया होगा वो खेत याद नहीं होगा आपको, जमीन। तो क्यों कभी जहां पे बार बार गए वहां भी याद करने का प्रयास नहीं किया था, जहां पे एक बार गए वहां भी याद करने का प्रयास नहीं किया था, पर जहां पे बार बार गए अपने आप याद हो गया, जहां पे एक बार गए वहां वो याद नहीं हुआ। पढ़ाई भी ऐसे ही होता है कि आपको याद करना आपका काम नहीं होता, आपका काम होता है पढ़ना। तो आप पढ़िए केवल, और एक बार नहीं 10 बार, बार बार अपने आप याद हो जाएगा। और जब एक बार तुम पढ़ लेते हो ना, और इस तुम्हारा समझ लो कि इसके बाद तो तुम राजा हो, और बच जाए तो जिस साल जाना फ्री देने, उस साल का एक करेंट का ईयरबुक आता है, मार्केट में मिल जाएगा, उस ईयरबुक को लेकर के, उसी साल का ईयरबुक को लेकर के पढ़ लेना। अगर आप प्री में पहले क्वालिफाई करो, मेन का तैयारी तुम्हारे पास किया हुआ है, और प्री और मेन के बीच में जो टाइम मिलता है आपके पास, उस टाइम में आपको तैयारी क्या करना है, उस टाइम में आपको तैयारी करना है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 को रिविजन करना है अच्छे से, और से ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन यहां यहां लिखते रहो, और शेष का आपसे रिविजन करो। इस बीच में कोई कोचिंग नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि आपने अपने ऑप्शन कर लिया हुआ, आपने पेपर 4 कर लिया, आपने पेपर 2 कर लिया, आप ऐसे तैयार है, आपको बस पेपर 1 अपने अभी हाल में पढ़ के गए हो, सब कुछ ध्यान है, टॉपिक हर एक टॉपिक याद है आपको, और यहां से बस जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी करो, लिखो, और ठीक है, और सबका रिविजन करो, ये इनरिच हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, जाके मेन दीजिए और मेन में अच्छे नंबर लेके आइए। सिंपल अप्रोच ये होता है। तो ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि यहां पे तुम्हें टाइम कितना लग गया, तो कम से कम यहां पे तैयारी करने में 900 घंटा लग जाएगा, 900 आवर यहां पे लग जाएगा, और 600 घंटा का टाइम तुम्हारे पास अभी बचा हुआ है। 600 घंटा में से तुमको क्या करना है, 300 घंटा कम से कम सीसेट में लग जाएगा, 300 घंटा सीसेट में लग जाएगा यहां, 300 घंटा में तुम्हें 30 सवाल सही करना है, मात्र 30 प्रश्न सही करना है, 10 चैप्टर है मात्र सीसेट में, 10 चैप्टर को करना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही हो जाएगा। 300 घंटा के में कम से कम आप यहां पे चाहो तो 3000 सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हो, 3000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, एक घंटा में 10 सवाल। अगर ये प्रैक्टिस 3000 सवाल पे कर जाओ ना, 3000 सवाल सीसेट का है मार्केट में जो मिल रहा है उस पर प्रैक्टिस कर जाओ, टीचर्स के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर लो, 30 सवाल तो देखते बन जाएंगे, चुटकियों बन जाएंगे। और शेष जो टाइम है आपका यहां पे, इस टाइम को आपको लगाना है प्री और मेन के बीच में, आप प्री और मेन कुछ लगाना है, और जहां प्रैक्टिस की बात आएगा, जैसे तुम पढ़े यहां पे इकोलॉजी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, जो भी पढ़े, ये पढ़े, प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो पढ़ने के बाद उसी साल का जो सवाल है पिछला 10 साल का, उसको बना के चेक कर लेना कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो तैयारी को एक बार मैं फिर से कुछ साफ साफ लिख देता हूं, इसमें करना क्या है, आप लोगों को अप्रोच क्या रखना है, तो अप्रोच आपको यही बनाना है।